मरकजी शाहराहों पर कायम पीएसओ के पंप्स बंद हो गए। पंप मालिकान और कंपनी के दरमियान किराए के तनाजे पर पंप बंद किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदा हबीब खान इस वक्त ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा सुमैर नजमुल हसन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हबीब बताएगा क्या कहना है। अच्छा बिल्कुल, देखिए शहर कायद के हवाले से बात करें तो शहर कायद में पाकिस्तान जो पेट्रोलियम है पीएसओ उनकी जानिब से और जो मालकान है पंप उनके दरमियान जो कुछ इख्तलाफ है उसकी वजह से शहर में अगर बात करें तो गुज़िश्ता डेढ़ से दो महीने के दरमियान 5 से 6 पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं। क्या वजूहत हैं इसकी, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा हैं। 20-20 साल के ये रेंटल एग्रीमेंट करते हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, लेकिन ये उनको फिर कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट बजाय इसके कि वो मार्केट रेट के हिसाब से उन रेंट्स को रिन्यू करें, रिन्यू करके और उन स्टेशन को चलाएं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, एक लांडी के अंदर एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप की जो लीज थी पीएसओ का जो हक था उसके ऊपर वो 1999 के अंदर एक्सपायर हो चुका था, मतलब आज जाके 2021 के अंदर इन्होंने नए सिरे से उसका एग्रीमेंट किया। बिल्कुल, समीर नजमुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पीएसओ की जानिब से इस वक्त जो मालकान के साथ रवैया अपनाया जा रहा है उसकी वजह से शहर में न सिर्फ अभी तक 5 से 6 पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं बल्कि मजीद 27 से 28 पंप शहर के ऐसे हैं जो पीएसओ के साथ अपने मुआहदे जो है वो खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो फिलफौर अगर ऐसे मुआहदे तय नहीं पाते तो मुख्तलिफ शाहराहों पर मजीद पेट्रोल पंप बंद होकर या तो निजी कंपनियों की तरफ जो है वो उसको ट्रांसफर किया जाएगा या शहर में जो फिर पंप पेट्रोल का जो एक बुरान है उसका मजीद सामना। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।